हम लोग प्राप्त परिस्थितियों का, मिली हुई वस्तुओं का राग और द्वेष रहित होकर अगर उपयोग करते हैं तो जीवन मुक्ति हमारे मुट्ठी की चीज है, हमारे मुट्ठी में आ गई, साक्षात्कार हमारी मुट्ठी में आ गया। बड़ी गलती ये हो जाती हम लोगों से कि हम जब ध्यान भजन करते हैं तो समझते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जब व्यवहार में होते तो समझते हैं कि संसार का व्यवहार कर रहे हैं। जो भक्ति करते हैं उनको संसार से राग द्वेष हो जाता है, और जो संसार में चिपके हैं उनको भक्ति से उपरांत हो जाता, संसार से राग हो जाता है। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको संसार से राग हो जाता है, और जो भक्ति करते हैं उनको संसार से द्वेष हो जाता है। हैं दोनों एक दूसरे के भाई। जय राम जी की। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप, सुख दुख आदि अनेक, कम सुख ज्यादा सुख, इंद्रियों का सुख, रूप का सुख, रस का सुख आदि, परिस्थितियों का सुख, कीर्तन का सुख, एकांत का सुख, भीड़ का सुख आदि, सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी, एक नहीं दो नहीं, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधा। संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, ना समझी को, बेवकूफी को, अज्ञान को, ना समझी के कारण ही जन्म मरण होते हैं। इच्छा और द्वेष से द्वंद पैदा होते, सुख दुख रूपी आदि। इसीलिए हमारा जो शांत स्वभाव है, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, वो ढका रहता है, और हम समझते हैं कि कहीं मिलेगा वो। अभी सुख नहीं, कहीं सुख मिलेगा। अभी ये परिस्थितियां ऐसी है, बाद में कुछ होगा तब सुख। तो अमुक अवस्था और अमुक परिस्थितियों से हमारा द्वेष और अमुक परिस्थितियों से राग, ये दोनों प्रकार की गलतियों के कारण हम ढक जाते हैं। ध्यान से सुनना जरा, बहुत सूक्ष्म बात है, बड़ी कीमती बात है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपः। एक सेठ ने स्वप्न देखा, लक्ष्मी जी कह रही है कि अब तुम्हारे पुण्य पूरे हो गए, मैं जाऊंगी, तुम्हें कुछ आखिरी मांगना हो तो मांग लो, अब मैं तुम्हारे घर ना रहूंगी। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी माता क्षमा करें, एक दिन का अवसर और दीजिए, मैं कल अपने परिवार से सलाह करके कल रात को आप आइए, फिर स्वप्न में मांग लूंगा। लक्ष्मी ये बात स्वीकार किया। दूसरा दिन हुआ, कुटुंबियों से बात किया, पत्नी से मिले, पुत्र से मिले, बड़ों से मिले। पत्नी ने कहा जब लक्ष्मी जी चले जाने वाली हैं, दरिद्र होने वाले हैं, तो लक्ष्मी जी से हीरे मोती जवाहरात मांग लो। दूसरे लड़के ने कहा अपने सोने की गिन्नियां मांग लो। तीसरे ने कहा लिया कि अपना स्वास्थ्य मांग लो। चौथे ने कुछ कहा, लेकिन छोटी बहू थी, उससे पूछा गया तो छोटी बहू ने कहा कि लक्ष्मी जी जब चले जाने वाली है तो हीरे मोती कैसे रहेंगे, दे भी उसने दिया और वो लक्ष्मी चले जाने वाली तो चले जाएंगे, न गिनिया रहेगी, न हीरे मोती रहेंगे, न लाल जवाहर रहेंगे। अगर लक्ष्मी जाने को ही कह रही है तो लक्ष्मी के इर्द गिर्द की चीजें वो तो उसके पीछे चली जाएगी, वो तो लक्ष्मी का ही, तो फिर हीरे जवाहरत नहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी से ऐसा मांगो कि भले तू चले जा, कोई हरकत नहीं, हमारे कुटुंब में समता प्रेम बना रहे, बस हम कुटुंबी कुटुंबी आपस में कलह न करें, झगड़े नहीं, द्वेष न हो, वासनाएं हमें न सताए, बस ये आशीर्वाद दीजिए। हमें इच्छा द्वेष की खाइयों में न गिरना पड़े, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। तुम जाती हो तो भले जा, लेकिन हमारे अंदर राग द्वेष न हो, हम कुटुंब में रहें, प्रेम से रहें, समता से रहें।
ससुरा जी को ये बात सच्ची लगी, अच्छी लगी। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई, सेठ क्या चाहिए बोल। बोले माँ तुम जाती हो तो भले जा, मैं इनकार नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे से हीरे जवाहरात रुपए संपत्ति कुछ नहीं मांगता, केवल इतना वरदान मांगता हूँ कि हमारे कुटुंब में राग और द्वेष न रहे, हम समता से प्रेम से रहे बस। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या मांगा तुमने, जहां पर ऐसे समता है राग द्वेष नहीं है वहां तो मुझे कगर के रहना पड़ेगा। वहां से तुम जाने को कहोगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी, वहां तो मेरा निवास। भगवान विष्णु के चित्त में राग द्वेष नहीं तो उनके चरणों की तो मैं सेवा करती हूं। तो ज्ञानी के चरणों में अथवा लक्ष्मी जी ने इंद्र को बताया, जिस कुटुंब में राग द्वेष नहीं, गुरुजनों का पूजन होता है, वहां मैं अखंड रूप से रहती। श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का जिस कुटुंब में पूजन होता है, आदर सत्कार होता है, और जिस कुटुंब में आने वाले अतिथि का मीठे वचनों से सत्कार होता है, लोग तोछड़ा व्यवहार नहीं करते, वाणी से किसी को दुख नहीं देते, आगंतुक को वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाते, उनके घर में उनके परिवार में तो मैं शाश्वत रहती। तो जो इच्छा और द्वेष से बचा है, द्वंद्वों से बचा है, गीता के 15वें अध्याय में भी आया, द्वंदेर मुक्ता सुख दुख संगे। द्वंद तो होंगे, साधु बनो, गृहस्थी बनो, पत्नी बनो, पति बनो, चोर बनो, साहूकार बनो, जीवन में द्वंद तो आएंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये ऐसा दुख ना आए, ये सुख जाए नहीं और ये दुख आए नहीं। हम नहीं चाहते तब भी दुख आता है और वो रहता नहीं, जाता है। जब दुख नहीं चाहते तो आता है, तो सुख को भी नहीं चाहेंगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। दुख नहीं चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, आवे ही नहीं, उसके लिए पहले तैयार रहते फाइटिंग करने को, फिर भी दुख आता है। अपमान ना हो इसलिए हम पहले ही व्यवस्थित होते हैं, ऐसा ही व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं कि हमारा कहीं अपमान ना हो, इंसल्ट ना हो, फिर भी अपमान हो जाता है। हम बीमार ना हो, हम बीमार हो इसके लिए कोई प्रयास किया क्या, हम बीमार बन जाएं, रुग्ण हो जाएं, ऐसा कोई कोशिश तो नहीं किया। रोग आ जाता है, जब रोग तुम नहीं चाहते हो तभी आ जाता है, तो तंदुरुस्ती तुम नहीं चाहो तभी भी आ सकती है, लेकिन आ सकती, तंदुरुस्ती आती है, लेकिन हम इच्छा और द्वेष के आवेशों में आकर अननेसेसरी नीड बढ़ाकर, बिन जरूरी खुराक, बिन जरूरी आराम, बिन जरूरी विलास करके हम तंदुरुस्ती को, तंदुरुस्ती का सुख नहीं ले सकते, और बीमारी का सदुपयोग करके जन्म मरण की बीमारी नहीं हटा सकते। बीमारी आई और गई, तंदुरुस्ती आई और गई, सुख आया और गया, अगर आप इन सुख दुख से, द्वंद मोह से थोड़े से अलग होकर देखें, तो पता चलेगा कि तुम्हारे तक आती ही नहीं, तुम्हारे कोई छू नहीं सकता। इच्छा, द्वेष, द्वंद और मोह तुमको छू नहीं सकता, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जरा सा तटस्थ होकर देखो तो कितने दुख आए और गए, तुम तो वही के वही रहे। कितने सुख आए और गए, तुम वही के वही रहे। कितने जीवन आए और गए, कितनी मौतें आई और गई, कितना बुढ़ापा आया और गया, कितने बेटे बेटियां आए और गए, कितने पति आए तुम्हारे जीवन में, कितनी पत्नियां आई, सब गए। लेकिन हम इच्छा करते कि ये बनो रहे, पत्नी चाहती कि घोट लियो हर द्वार में कड़े लो, व्यंजन का पो भाव मुझे उतारू कद तो माठ कर धीरे धीरे बड़के फेरो पाए पाने चाबी कहीं घूम श्री राम। जो वस्तु मौजूद होती है तो उससे उबान आती है, और वो जो वस्तु दूर हो जाती है तो फिर इच्छा होती, मौजूद होती तो द्वेष होता है, अंदर उबान होती,
और दूर चले गए तो इच्छा होती। इसी से हम द्वंद्वों से ऐसे कुचले गए कि आज तक हमारा कहीं ठिकाना नहीं पड़ता। भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नियम करते हैं, उपवास करते हैं, सावन करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन इस गलती को रख कर करेंगे तो बढ़िया लाभ नहीं होता है, परम लाभ नहीं होता है। छोटा थोड़ा बहुत लाभ होता है, परम लाभ नहीं होता। इच्छा और द्वेष को हटा दिया, फिर तुम जो करोगे वो भक्ति बन जाएगी। तुमने देखा होगा खेत में खेडूत जब बीज बोता है तो ऐसे नहीं बीज डाल देता, पहले घास फूस को दूर करता है। ऐसे ही बीज डाल दे तो रस रस तो वो जंगली घास चूस लेगा, अब बीज हो जाएगा बेकार। बीज को अगर पनपना है, बीज को अगर उस बीज में से अगर पौधा लाना और फूल खिलाने हैं, फल लाने हैं, तो पहले भूमि को साफ करना पड़ता है। ऐसे ही चित्त की भूमि को राग द्वेष रूपी घास से दूर करके फिर परमात्मा भाव का, परमात्मा ध्यान का, परमात्मा तत्व का अगर बीज बोया जाए तो फिर पौधा होता है और आत्मज्ञान का फल और फूल भी लगते हैं।